दोस्तों मार्क मैककॉर्मैक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1989 और 1979 के बीच हार्वर्ड स्कूल के हुए अध्ययन के बारे में बताया है। 1979 में हार्वर्ड के एक MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाई है। पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास अपना लिखित लक्ष्य और योजना थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% के पास तो अपने स्पष्ट लक्ष्य भी नहीं थे। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन 2 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन उनमें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन ग्रेजुएट्स के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे वे बाकी सभी 90% से औसतन 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए थे। अब फैसला आपका है कि आप अपने लक्ष्य बनाना चाहेंगे या फिर एक आम जिंदगी बिताना चाहेंगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे DS Mentor YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।